टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर अपने लिए अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स और तो और 5G का सपोर्ट चाहिए, सो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। उन यूजर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग की तरफ से कोई अच्छा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, सो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। बात कर ले इस फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहां पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 nits तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहां पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहां पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहां पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की, तो इस फोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरी आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहां पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर ले तो यहां पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फाइनिक स्पीकर्स, और तो और ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,490 रुपए, वहीं पर स्मार्टफोन के 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,490 रुपए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसके हायर वेरिएंट के साथ में जाएं, जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। ये बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर M6 Pro 5G। बात करें इस फोन की तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहां पर आपको अच्छी दी गई है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो बैक साइड में आपको यहां पर मिल जाते हैं दो कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन ऑनतु पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एड्रेनो 613 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले आप यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स,
साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, जहां पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको दे रहे होंगे 9,499 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको अंडर 9,000 रुपीज की प्राइस पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी किलर फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है उन यूजर्स के लिए जो कि भाई अब भी नोकिया के फैन है और उन्हें नोकिया की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना है। सो आप यहां पर देख सकते हैं नोकिया का G42 5G। तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग दी गई है और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8.6 मिलीमीटर की थिकनेस और 193 ग्राम के साथ में आता है। सो फोन काफी स्लीक और लाइट वेट है और इसी के साथ में आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.56 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 560 nits की ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की डस्ट सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रही बात अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा डे लाइट में काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, डे लाइट में फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+ का 5G चिपसेट, जिसके अंदर लगा हुआ है एड्रेनो 619 का GPU, जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी अच्छी गेमिंग भी करा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 3,80,000 के आसपास स्कोर करता है। साथ ही इस फोन के अंदर आपको LPDDR4SC रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है। फोन यहाँ पर 20 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट आपको मिल जाती है। वैसे दोस्तों फोन का बैकअप काफी अच्छा है, नॉर्मल यूजिंग पर आपको ये स्मार्टफोन 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है। चलिए फिर अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी लाउड है, तो ये अच्छी बात है। और रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और तो और अच्छी बात यह है कि 2 साल के आपको यहाँ पर मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की गाइस, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो आपको यहाँ पर इसमें भी कोई इशू नहीं आने वाले। सो अगर आपको यहाँ पर एक गुड डिजाइन, अच्छा कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो काफी कमाल का पैकेज है, अगर आप चाहें तो नोकिया के स्मार्टफोन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G34 5G। बात करें इस फोन की, तो डिजाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 580 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है, प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया।
फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को एनहांस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स और काफी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल एचडी की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है, और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया, और आपको यहाँ पर 1 साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB RAM 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर Realme का C65 5G। बात करें फोन की, तो ये फोन भी आपको डिजाइन और लुक के मामले में Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिलने वाला है। डिजाइन लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये स्मार्टफोन भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वैसे आपको बता दूं कि फोन 7.9 mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और स्लिम फोन है, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 inches की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है। साथ में आपको यहाँ पर लगभग 650 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। हालांकि इंडोर में आपको कोई खास शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर में आपको यहाँ पर थोड़े से इश्यूज देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें गेमिंग की, तो 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की आपको यहाँ पर टेस्ट सैंपलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 cameras मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 megapixel का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 megapixel का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है 8 megapixel का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, और अच्छी बात यह है कि डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा फोटोज को ओवर एक्सपोज भी कर देता है। बाकी डे लाइट में आपको फोटोज में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस्ड MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट चिपसेट है जो कि आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें अंततः स्कोर की, तो 4,33,000 के आसपास ही स्मार्टफोन स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में, यानी कि डेली यूसेज में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको HD सेटिंग पर अप टू 40 fps तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा इशू भी है कि यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हल्का सा हीट होता है, और उस दौरान टच यहाँ पर थोड़ा सा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 15W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, और आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है।
अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, और हाँ यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे UI की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0, और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अपटू 9 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, सो देखा जाए तो ये कम्प्लीट फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपए। वैसे स्मार्टफोन का 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,499 रुपए की कीमत पर, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी वेरिएंट यहाँ पर चेकआउट कर सकते। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।